उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया व जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक सतीश द्विवेदी, श्याम धनी राही, अमर सिंह चौधरी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा, कमल खिलेगा 2019 के चुनाव में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा आज विपक्ष की रैली बुलाए जाने पर कहा कि ममता बनर्जी का ममता अब जनता के बीच नहीं है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां पर प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफा की खास रिपोर्ट। कोई भी आ जाए, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा कमल खिला करके माननीय मोदी जी को 2019 में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर उनको देखना चाहती है, और वह भाजपा ही नहीं बल्कि कहीं देश की जनता देखना चाहती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए और समग्र विकास के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम हुआ है, उस काम का इतना प्रभाव है कि सारे विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा। जो 2014 में अलग अलग लड़े थे, सब कह रहे एक हो जाओ, नहीं मोदी जी फिर से आ जाएंगे। यह डर अस्पष्ट करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और उस काम का जवाब उनके पास नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। इतना ही कहूँगा कि विशेष तौर से ममता जी के प्रति किसी को ममता नहीं बची है, और श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे ज़रूर इसमें आश्चर्य लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो मायावती जी को और बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी जी को, आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू जी को, जहाँ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ किसी नेता से मिलते हैं तो एक ही उनका लक्ष्य रहता है कि हाँ हम आपको प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेंगे। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अंत में यह जो छोटे छोटे दल हैं, राज्य स्तरीय दल हैं, यह सबका एक लक्ष्य है, मोदी रोको प्रतियोगिता।